हाथीखाना गेंडा फळियामां दूषित पाणीनी समस्याथी स्थानिको त्राहिमाम पोकारी उठ्या छे। वडोदरा शहेरमां विविध विस्तारमां लोको पूरता प्रेशरथी तेमां शुद्ध पाणी न मळता हेरान परेशान छे। सत्ताधीशो 25 वर्षथी शासनमां होवा छतां प्रजानी प्राथमिक सगवड पाणीना मुद्दे जाणे निष्फळ होय तेवुं लागी रह्युं छे। प्रजा बिचारी बूमो पाड़ीने थाकी जाय पण वेरो उघरावा छतां प्राथमिक सगवड़ो मळती नथी। शहेरना हाथीखाना गेंडा फळियामां पण स्थानिकोना जणाव्या अनुसार छेल्ला 8-10 महिनाथी दूषित पाणीनी समस्याथी लोको परेशान छे। दूषित पाणीना कारणे लोकोना आरोग्यना प्रश्नो पण निर्माण थई रह्या छे। पाणीना प्रश्नना निराकरण माटे घणा समयथी विस्तारमां खाड़ो खोदी मुकायो छे। हाल बाळको पण स्कूलमां न जता रमता होय छे त्यारे अकस्मातनी भीति पण स्थानिकोने सतावी रही छे। समग्र मुद्दे स्थानिक जागृत नागरिक द्वारा उग्र रोष ठालवी समस्या निराकरणनी मांगणी करी हती। हमारी समस्या ये है कि पिछले 8-10 महीनों से हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। हाथीखाना गेंडा फळिया एरिया का नाम है, गरनाड़ा पुलिस चौकी ये रही, उसके पीछे है ये, और ये वार्ड नंबर 2 की ऑफिस। इतना गंदा पानी आ रहा है कि पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ का इंजीनियर बिपिन राणा करके कोई आया था, उसको हमने हमारी सारी समस्या बताई तो वो बोलता हमारे पास बनाने के लिए पैसा नहीं है। अभी ये देखो ये इतना ऊंडा है, ये इतना गहरा है। अभी लॉकडाउन चलता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, बराबर यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों के बोल वगैरह सब पड़ा हुआ है नीचे। अगर कोई गलती से बच्चा गिर गया, कोई की जान हानि हुई तो उसका जिम्मेदार कौन? और वो विपिन राणा आके बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कौन सी ऐसी सरकार है? क्या 8-9 महीना हो गया हमारे को पानी की इतनी समस्या है। देखो कितना गहरा है, बहुत ऊंडा खड्डा है ये, दिखाओ आप, दिखाओ, बहुत ऊंडा है। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा ये हम लोग के पास, वेरा सब ये उघराना आते हैं तो ऐसे खंडनी करते जैसे भाई लोग करते। अब ये हम बराबर पैसा हमारे टाइम पे भरते हैं तो ये सब चीज़ें भी हमको उकेल दो ना। 8-9 महीना हो गया पानी नहीं आता, ना आता है तो पहले ये गंदा पानी आएगा, ये पी के लोग बीमार पड़ते हैं। लोगों की समस्या ने पगले स्थल पर कांग्रेसी काउंसिलर फरीद कटपीसवाला पहुंचता तेओ पण स्थानिकोना रोषनो भोग बन्या हता अने पाणीनी समस्या वेली तके दूर करी शुद्ध पाणी वितरण करवानी लोकोए मांग करी हती।